वफाकी काबीना ने 24 अहम अफराद के नाम ECL में डालने की मंजूरी दे दी है और काबीना ने सहाफी समी इब्राहिम और इमरान रियाज का नाम ECL में शामिल करने, PTI रहनुमा बाबर अवान का नाम ECL से निकालने की भी मंजूरी दे दी, 22 मुख्तलिफ शख्सियात के नाम ECL में निकालने की भी मंजूरी दे दी गई है। बिल्कुल, इसी पर मजीद बात करेंगे। एडिटर नॉर्थ सुहेल इकबाल भट्टी हमारे साथ मौजूद है। सुहेल साहब बताइए, मजीद कौन से नाम शामिल है? जी बिल्कुल, वफाकी काबीना ने 24 अहम अफराद के नाम ECL में शामिल करने की बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी है। वफाकी काबीना ने ये मंजूरी वज़ारत दाखिला की समरी पर सर्कुलेशन के जरिए दी है। GT निशुल्क वसूल वाले वफाकी काबीना ने सहाफी सभी इब्राहिम और इमरान रियाज खान का नाम ECL में शामिल करने की मंजूरी दी है। इन दोनों शख्सियात के खिलाफ पुलिस के मुकदमात के अंदराज है, उसके साथ इमरान रियाज के खिलाफ FI की इंक्वायरी का सिलसिला जारी है, जिसके बाद उनका नाम ECL में शामिल करने की मंजूरी दी गई है। इस तरह PTI रहनुमा बाबरवान का नाम एग्जिट कंट्रोल से निकालने की मंजूरी दे दी गई है, जबकि 22 मुख्तलिफ शख्सियात के नाम ECL से निकालने के लिए मंजूरी दी गई है और ये मंजूरी वफाकी काबीना की ज़ेरे कमेटी बराए ECL की सफाहत पर दी गई है। जी अपडेट कर रहे थे सुहेल इकबाल भट्टी, आपका शुक्रिया।